फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे कुल्फी। कुल्फी सभी को बहुत पसंद आती है और ये घर में बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुल्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुल्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। आप चाहें तो सिंपल मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड 1/2 कप शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 10 से 12 बारीक कटे हुए बादाम, 10 से 12 बारीक कटे हुए काजू, 4 से 5 बारीक पिसी हुई इलायची। इलायची से कुल्फी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एंड बारीक कटे हुए कोकोनट, इन्हें मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को बॉईल करने के लिए रखेंगे। अब मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है और अब हम इसे 1 उबाल आने तक गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है और अब हम इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये तली में लगे ना। अब ये जो दूध है अपनी एक्चुअल क्वांटिटी का 1/3 हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स। एंड अब हम दूध को 1/4 होने तक अच्छे से गर्म होने देंगे और इसी तरीके से चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो दूध है अपनी एक्चुअल क्वांटिटी का 1/4 हो चुका है और जो हमारी मलाई है वो बनके तैयार है। तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एक अलग कंटेनर में निकाल लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मलाई है वो बनके तैयार है। अब इसे एक मोल्ड में भर के रख देंगे। मैंने यहाँ पर मोल्ड लिया है, आप चाहें तो कोई नॉर्मल बर्तन में भी भरकर रख सकते हैं। अब हम इस मलाई को इस तरीके से मोल्ड में भर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मलाई को मोल्ड में भर दिया है और इस तरीके से अब हम इसे ढककर फ्रिज में 8 घंटे के लिए रख देंगे। आठ घंटे के बाद अभी जो हमारी कुल्फी है वो बनके तैयार है। मैंने लिया है 1 गिलास पानी जिसमें हमें डिप करेंगे, जिससे कि जो कुल्फी है बहुत ही आसानी से निकल आएंगी। अब एक चाकू की हेल्प से इसे साइड से कट कर लेंगे। और इस तरीके से कुल्फी को मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कुल्फी है वो बनके तैयार है और इसे एक प्लेट में रख देंगे। और इसी तरीके से मैं और भी कुल्फियों को बाहर निकाल लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुल्फी बनके तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।